श्री विश्वनाथ में बाबा भैरवनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी महंत नवीन गिरि ने कहा है कि चुनाव के वक्त तमाम लोग वोटों के लिए मंदिरों की यात्रा करते हैं और हमारे राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्रा से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान प्रधानमंत्री पर काल सर्प योग का प्रभाव दिखाई दे रहा था और उसकी शांति के लिए उन्होंने पूजा पाठ किए हैं और अब प्रधानमंत्री को उनकी उस बुलंदी से ऊपर पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त मैं हूँ काशी के काल भैरव मंदिर में। अगर आप देखेंगे तो आज शनिवार है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ भीड़ लगी, यहाँ पे दर्शन करने वाले श्रद्धालु आए हैं। आम तौर पे भी यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने। चारों तरफ आप देखेंगे तो एक तरफ से आना एक तरफ से जाना होता है और ये यहाँ के रोज की प्रक्रिया होती है। हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी नवीन गिरि जी हैं। नवीन जी, आज कुछ खास है या आमतौर पर इतनी भीड़ रहती है और लोग क्या मांगने आते हैं भैरवनाथ से? आम नहीं होता क्या है कि जैसे बाबा का दिन मंगलवार और शनिवार और रविवार, तीन रोज यहाँ भीड़ आपको मिलेगी। सबसे ज्यादा भीड़ आपको रविवार को मिलेगी। अगर आप रविवार के दिन आएंगे तो ये जो भीड़ देख रहे हैं इसका 10 गुना भीड़ आपको मिलेगा, क्योंकि बाबा कालों के काले महाकाल हैं। ये इस काशी के रक्षक भी हैं और काशी में जो आता है उसका भी रक्षा यही करते हैं, क्योंकि काशी में आने वाला आदमी अगर फिर इनकी शरण में आ गया, वो शरण में आ गया और अगर वो बाबा काल भैरव का दर्शन कर लिया तो वो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा है। उसका किसी भी प्रकार का अगर जो कष्ट होगा, जो मन्नत होगा, वो पूर्ण होता है। ये बाबा का चमत्कार है। ठीक है मान जी, प्रधानमंत्री ने यहाँ दर्शन किया, चुनावी वक्त में आए, ये माना जा रहा था कि बड़ा ग्रह नक्षत्रों का कैलकुलेशन होता है। क्या नरेंद्र मोदी जी का ग्रह नक्षत्र क्या कह रहा है और क्या यहाँ दर्शन करने से उनको कोई लाभ मिलने वाला है? अगर मैं राजनीतिक रूप से पूछूं तो सबसे बड़ा चीज है कि ये कालों के काल महाकाल है, उनके ऊपर जो भी किसी प्रकार का जो भी ग्रह था उस दिन यहाँ दर्शन करने से उनका वो ग्रह खत्म हो गया। क्योंकि बाबा का दर्शन करने का एक छोटा सा मंत्र है, वारण श्याम भैरोदेव संसार भयनाशनम अनेक जन्म कितम पापम दर्शनेन विनश्यति। सिर्फ दर्शन करने मात्र से ही जो जन्म जन्म का कष्ट होता है वो खत्म हो जाता है। ग्रह तो बहुत, क्योंकि ये नौ ग्रहों के ये मालिक है, क्योंकि काशी में कोई भी ग्रह यमराज तक का भी काशी में नहीं चलता है तो और किसी का क्या चलेगा। उनके ऊपर किसी भी तरह का जो भी ग्रह था, जो पूजा हम लोगों ने करा दिया उनका, वो सारे ग्रह खत्म हो गए और उनको जिस तरह विजय श्री मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिलेगा और बाबा का आशीर्वाद उनके ऊपर बना हुआ है और बाबा चाहेंगे तो कल से अच्छा बेहतर आज होगा मोदी का। मान जी, किस तरह का पूजा पाठ आपने कराया था? आप कहते काल सर्प योग का कुछ लक्षण दिखाई दे रहा था, वो हल्का था तो यहाँ पूजा करने से, क्योंकि इसीलिए उनका कपूर से आरती कराया गया और उनके ऊपर से तेल उतार के जो यहाँ 24 घंटा जो जलता उसमें डाला गया। कपूर आरती इसलिए कराई गई कि संसार में सद्भावना बनी रहे और स्वास्तिक पूजा, क्योंकि ये औघड़ दानी है, जब ये शमशान पे जाते हैं तो वहाँ औघड़ हो जाते हैं। स्वास्तिक पूजा इसलिए कराया जाता है कि देश में शांति बनी रहे और आई बनी रहे, अच्छा वातावरण हो, देश उन्नति की ओर हो, इसके लिए एक ये स्वास्तिक पूजा बाबा का कराया जाता है। तो उस दिन जो मोदी ने किया वो देश के लिए पूजा किया, न कि उन्होंने अपने लिए किया। ठीक है, ये उनका मानना है और हम लोगों ने भी देश के शांति सुखाली और देश का वातावरण अच्छा हो, देश तरक्की हो, इसके लिए उनका पूजा कराया गया। महाराज, वो जो बता रहे थे थोड़ा सा काल सर्प योग था उनके ऊपर, उसका प्रभाव दिखाई दे रहा था ग्रह के हिसाब से, लोग जिस तरह बताए कि उनके ऊपर कुछ काल सर्प योग का था तो उस दिन दर्शन करने से जो ग्रह का जो छाया भी था वो भी खत्म हो गया और आगे उनके ऊपर ऐसा कोई नहीं है और बाबा का आशीर्वाद उनके ऊपर बना हुआ, क्योंकि उन्होंने सबसे अच्छा काम किया कि नामांकन करने के पहले बाबा का आके दर्शन किया और यहाँ दर्शन करने के बाद उन्होंने नामांकन किया, तो इसलिए विजय श्री में तो कहीं दाग नहीं है। रिकॉर्ड कितने का बनेगा वो समय बताएगा। हरा हरा, तो ये थे नवीन गिरि जी का साफ तौर पे कहना है कि जरूर जब चुनाव का वक्त आता है, राजनीति का मौसम गर्म होता है तो तमाम लोग राजनीतिक भक्त बन जाते हैं, लेकिन भगवान को धोखा देना संभव नहीं है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ अखिलेश मिश्र, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, भैरव मंदिर, काशी।